ये मतलब अपने आप में इन जो इंतखाबात हैं इनकी अहमियत जो है उसको आप इस तरह से आप देखें कि अगस्त 2019 के बाद जो है ये पहली मर्तबा है कि यहाँ पे पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं। उसके साथ साथ 2019 में बीजेपी ने तमाम सीटों पे उस वक्त उम्मीदवार उतारे थे। इस बार अब होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम पहले लोगों के दिल जीतेंगे और फिर जो है उम्मीदवार खड़ा करेंगे, तो इसका सीधा ये मतलब है कि वो लोगों के दिल जीत नहीं पाए, कि 2019 के फैसला जो है उससे लोग ज़्यादा नाराज़ हुए, उनसे ज़्यादा दूर हुए। और अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे जो तीन उम्मीदवार हैं साउथ कश्मीर से, सेंट्रल कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से, कि हम ज़्यादातर जो वोटर हैं उनको अपने तरफ लाने में जो है कामयाब हो जाएं। बीजेपी अगर मैदान छोड़ जाती तो वो अपने आप में काफ़ी मायने रखती, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा है, वो सिर्फ पीछे से अब लगाम पकड़े हुए हैं। पिछले दिनों तरुण चुग का आना, यहाँ पे कुछ सियासी पार्टियों से उनका जो है मीटिंग करना, और उसके बाद इस तरह के बयान। अब जब होम मिनिस्टर साहब तकरीर करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को हराने की बात करते हैं। यहाँ जो फिलहाल जो और रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो PC हो या दूसरे हों, उनके हार की बात जो है होम मिनिस्टर साहब नहीं करते, तो उसी से आपको पता चल जाता है कि बीजेपी की तार जो है किन लोगों के साथ जुड़ी हुई है। किसको इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है? तो है ही ना, इसमें कौन सी छुपी हुई बात है? तरुण चुग साहब श्रीनगर आते हैं, फटाफट सजाद लोन को बुलाते हैं और वो दौड़े दौड़े जाते हैं वहाँ मीटिंग करने के लिए। होम मिनिस्टर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन को हराने की बात करते हैं, PC की वहाँ पे बात नहीं होती। इसी से आपको पता चल जाता है ना आपकी उनकी बात, उनके पीछे ताकत कौन है। अब आप बहाने बनाना तो ठीक बात है ना, हमारे लिए तो तरुण चुग साहब के दरवाजे बंद हैं।